हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस, अजीत रोड बठिंडा। माय कॉन्टैक्ट इज 9463625680। तो बेटा, हम कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर। तो उसका हमारा ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और मैंने ये भी बोला था साथ में कि जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा वो बहुत अच्छा बच्चा कहलाएगा। और आई होप कि आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाइएस्ट आयनेशन एनर्जी 3। इन में से, इन चारों में से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसको मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे फर्स्ट है वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा 23। उसके बाद दे रखा है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 24। उसके बाद दे रखा है मैंगनीज, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। एंड उसके बाद दे रखा है आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर है 26। यही है ना, एक बार चेक कर लो। तो देखिए, हमने बताना है कि आयनेशन एनर्जी 3 किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, 3-1 किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेटा, सबसे पहले आपको यह कंफर्म होना चाहिए कि आयनेशन एनर्जी जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है, जब हम किसी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। जब हम किसी भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है हमेशा, ठीक है। तो चलिए हम वेनेडियम की बात करते हैं। सबसे पहले वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d3। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मतलब इसको v3 पॉजिटिव करना है, ठीक है, तभी इसकी आयनेशन एनर्जी आएगी, ठीक है। क्योंकि आयनेशन एनर्जी 3 का मतलब क्या होता है, देखो, आयनेशन एनर्जी 1 क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना। आयनेशन एनर्जी 2 क्या होती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। आयनेशन एनर्जी 3 क्या होती है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इन्होंने ये पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा एलिमेंट है जो स्टेबल हो जाएगा, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आएगी, तो आयनेशन एनर्जी 3 उसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इन तीनों में से बताना है। वैसे मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो आयनेशन एनर्जी 3 होती है वो सभी की ही ज़्यादा होती है। मैंने क्योंकि आपको लास्ट लेक्चर्स में यही बताया था बेटा कि आयनेशन एनर्जी जितनी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, वो ज़्यादा ही होती जाएगी, ठीक है। हमेशा आयनेशन एनर्जी 3 2 से ज़्यादा होती है, 2 1 से ज़्यादा होती है। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी इन चारों में से, इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी। थर्ड आयनेशन एनर्जी सभी की ज़्यादा होगी, पर थर्ड किसकी सबसे ज़्यादा होगी, समझ आ गई। तो चलिए इसमें से देखते हैं। चलो अब देखो, वेनेडियम में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बेटा। हमने देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला 4s2 में से, ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 4s2 में से निकला, ठीक है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d3 में से निकलेगा। देखो, अगर हम बात करें 3d3 की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज 3d, ठीक है, और दिस इज 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी जनरल सी बात बताता हूँ कि जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव करते हैं, ठीक है, जब निकालते हैं, तो बेटा सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन निकालना हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, इनमें ही होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे मुश्किल किस में होता है, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड में होता है, ठीक है। तो अब हम जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो हम ये कीप इन माइंड रखेंगे अपने के जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन है वो हम हाफ फील्ड से तो नहीं निकाल रहे या फुली फील्ड से तो नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए 4s2 में से और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो मतलब 3d में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दिस इज 3d3, तो ये देखो कि 3d की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड तो नहीं है। देखो, हाफ फील्ड कब होगी, जब 3d5 होंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 आते हैं डी में, तो जब 5 होंगे तब हाफ फील्ड होगी। देखो, 1 2 3 4 5, जब तब होगी हाफ फील्ड। तो मतलब ये 3d3 है तो इट मींस ये हाफ फील्ड नहीं है। तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है इजीली निकल जाएगा यहाँ से बाहर, तो इट मींस कि जो आयनेशन एनर्जी 3 होगी, जो आयनेशन एनर्जी 3 होगी वो वेनेडियम की कम होगी, समझ आ गई। क्योंकि आयनेशन एनर्जी 3 जो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड की। चलिए, ये तो निकल गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ क्रोमियम 24। देखो, क्रोमियम 24 के केस में क्या होगा, क्रोमियम 24 के केस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, आपको याद है, ये एक्सेप्शनल केस है,
ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शनल केस है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकियों से, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसमें देखते हैं कि आयनेशन एनर्जी थ्री किसकी ज़्यादा होगी या कम होगी। दिस इज़ 4s एंड दिस इज़ 3d, 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज़ 4s एंड दिस इज़ 3d, ठीक है। तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बेटा, 4s1 में से निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला 4s1 में से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s0 रह गया, दिस इज IE1 हो गई। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी दैट इज आयनेशन एनर्जी 1, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बच्चे, 3d5 में से, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या होगी, आयनेशन एनर्जी 2 होगी। अब 3d5 की जगह पे 3d4 रह जाएगा जब इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसका रीज़न क्या है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये हाफ फिल्ड था, 1 2 3 4 5, समझ आ गई बात। बट हमें क्या पूछा गया है बच्चे, हमें पूछा गया थर्ड आयनेशन एनर्जी बताओ किसकी ज़्यादा है थर्ड। ये तो सेकेंड आ गई, सेकेंड बहुत ज़्यादा होगी इस केस में, क्रोमियम 24 के केस में सेकेंड बहुत ज़्यादा होगी। अब हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है, ये 3d4 में से निकालना है, समझ आ गई। अब देखो 3d4 में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये ना तो फुली फिल्ड है, ठीक है, ना ही ये क्या है, हाफ फिल्ड है, ठीक है, ना ये फुली फिल्ड है ना ही ये हाफ फिल्ड है। तो इट मीन्स दैट कि जो थर्ड आयनेशन एनर्जी होगी क्रोमियम के केस में वो भी क्या होगी, कम होगी, समझ आ गई बात। क्योंकि हमने हमें पर्टिकुलरली पूछा गया कि आयनेशन एनर्जी थर्ड किसकी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स दैट जब जब मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड हो जाएगी, तब उसकी जो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मतलब हाफ फील्ड हो गया था, तो आयनेशन एनर्जी सेकंड बहुत ज़्यादा हो गई थी इसकी, तो आयनेशन एनर्जी थर्ड कम आ गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं, मैंगनीज 25, ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होता है। देखो मैंगनीज 25 है यहाँ पे, इस केस में देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, यही होगी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो 4s2 है यहाँ पे और 3d5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, कहाँ से निकल गए, यहाँ से गए दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए, 4s में से चले गए, ये उड़ा दो। अब 4s में से दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये 4s0 हो गया। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चे, वो कहाँ से निकल रहा है, देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो 3d5 में से निकल रहा है। अब ये 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, दिस इज हाफ फील्ड, ठीक है। अब इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा बहुत मुश्किल से निकलेगा यहाँ से, तो इट मीन्स दैट बच्चे जो आयनेशन एनर्जी थर्ड है वो मैगनीज के केस में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आयनेशन एनर्जी थ्री जो है वो इन केस ऑफ मैंगनीज, दिस इज मैंगनीज, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हाफ फील्ड होता है तब, ठीक है। अब फोर्थ केस में आ जाओ, फोर्थ केस आ गया आयरन का, 26 होता है, देखो कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखो 4s में 2 है और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। देखो दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिए, मतलब 4s में से निकाल दिए। अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चे, वो कहाँ से निकलेगा, 3d6 में से निकलेगा। अब ये जो 3d6 है, ये ना तो कोई हाफ फील्ड है और ना ही कोई फुली फील्ड है, ना ही तो ये हाफ फील्ड है ना ही ये कोई फुली फील्ड है, ठीक है। तो अब इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि इसकी जो आयनेशन एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो मैंगनीज की है, वो सबसे ज़्यादा होगी, आयनेशन एनर्जी थर्ड, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, सी दे रखा आपको बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनेशन एनर्जी वन ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो होमवर्क है आपके लिए, पर आप होमवर्क कहाँ करते हो, मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो देखिए सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, इनमें से आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है। बट अब बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्या पीरियड में आ गए, देखो चारों पीरियड में, बहुत अच्छी चीज़ है। देखो सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है पीरियड में, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी क्या करती है, बढ़ती है, आपको मैंने करवाया है। तो सबसे ज़्यादा जो आयनेशन एनर्जी है वो सिलिकॉन की होगी, उसके बाद किसकी होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की, बट होती नहीं है, होती किसकी है, मैग्नीशियम की, सेकेंड नंबर पर आएगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की आएगी, उसके बाद सोडियम की आएगी। आप बोलोगे सर कैसे, ये कैसे हो गया। बेटे इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने आपको पीछे करवाया था। अगर आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का करके देखोगे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 12, 1, 3p1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आयनेशन एनर्जी फर्स्ट पूछा है इन्होंने, एल्यूमिनियम के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा तो पी से निकल रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर मैग्नीशियम के केस में अब अगर आप देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। मैग्नीशियम में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो यहाँ से निकल रहा है, तो ये क्या है, ये वाला जो s सबशेल है ये फुली फिल्ड है, ठीक है, मतलब 3s2 है। और दूसरी बात ये s है, s में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। मैंने आपको क्या करवाया था जब आयनेशन एनर्जी कर रहे थे, कि जो s होता है बेटा वो उसका पेनेट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है। क्या होता है, पेनेट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पी। तो इट मीन्स इसमें जो है एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी एस के केस में, ठीक है। तो इट मीन्स जो मैग्नीशियम की आयनेशन एनर्जी होगी वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है फर्स्ट वाली, समझ आ गई। तो दैट्स वाई सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, सबसे कम सोडियम की, क्लियर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप इन द सेकेंड टू थर्ड आयनेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये हमें कॉन्फिग्रेशन दे रखी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब हम सेकेंड से थर्ड आयनेशन एनर्जी की तरफ जाएंगे, मतलब जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वही क्वेश्चन आ गया जो पहले आया था, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल किसमें होगा, ठीक है बेटा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल उसमें होता है, ठीक है, जब जब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो जाए, ठीक है, वो जब हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड हो जाए, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो नोबल गैस बन जाए, ठीक है। मैं आपको बता दूं नोबल गैस कौन कौन सी होती है बेटा, नोबल गैस आपने पढ़ा हुआ है ना, मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको, हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना, ये ट्रिक है नोबल गैसेस की, ठीक है। तो हीना का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम होती है ये इसका नियॉन होता है 10, और इसका 18 आर्गन का, क्रिप्टॉन का 36, इसका 54 जिनोन का, और इसका 86 रेडॉन का, ठीक है। तो ये इनके मतलब ये होते हैं एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। तो अगर कोई भी एटम ले ले, जैसे सोडियम ले लो, है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो आप देखोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करगी, नियॉन से। देखो 1s2, 2s2, 2p6 रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो 10 हो गए, तो 10 होगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से मैच कर जाए तो उसकी वो आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो बेटा अगर आप इनमें से निकालोगे, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, देखो थर्ड बोला है इन्होंने, 2 यहाँ से निकाल दिया, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 4 तो किसी का भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से एक यहाँ से निकाल दिया, दूसरा यहाँ से निकालोगे, तो तीसरा जब निकालोगे 2p5 हो गए, ये भी किसी नोबल गैस का नहीं है। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाल दिए, तो इसके बाद देखो 2, 4 और 10, तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये नोबल गैस से निकाल रहे हो आप, तो इसमें सबसे डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आयनेशन एनर्जी इसकी मैक्सिमम है, तो इसका आंसर सी है बेटा, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।